Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नेम इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू वाराणसी दिस इज़ माय एट्थ लेक्चर यह मेरा आठवां लेक्चर है संवैधानिक विधि से संबंधित टॉपिक है गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी टू जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है और उन्हें क्या प्रोटेक्शन संविधान के अंतर्गत दिया गया है उस पर हम बता चर्चा करेंगे और इस लेक्चर के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि संविधान के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं और गिरफ्तार व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किन अधिकारों को इसमें मान्यता प्रदान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन को देखेंगे तत्पश्चात ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि इस पर आधुनिक संशोधन के भारतीय संसद के द्वारा संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी विधियाँ बनाएंगे स्लाइड पर आप देखें मैंने लिखा हुआ है गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी टू इसमें मैंने एक तरफ़ लिखा है आर्टिकल 21 और 22, 22 के अंतर्गत अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ अभी मैंने ठीक इसके पहले आपको बताया आर्टिकल 21 का ही पूरक एक विस्तार आपको बोलें तो 22 है 22 अपने आप में आइसोलेशन में नहीं आइसोलेटेड प्रावधान नहीं है पहले आर्टिकल ट्वेंटी को थोड़ा सा मैं उल्लेख कर दूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं अर्थात नो पर्सन शैल बी डिप्राइब्ड जो आर्टिकल ट्वेंटी में लिखा है मैं उसका उसको रेफर कर रहा हूँ तब आर्टिकल ट्वेंटी को आप समझ पाएंगे आर्टिकल ट्वेंटी में लिखा हुआ नो पर्सन शैल बी डिप्राइब्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है इसका अर्थ नकारात्मक रूप से यही हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता अन्यथा नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो कोई भी विध के प्रक्रिया का उल्लंघन करता है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है संविधान के आर्टिकल इक्कीस भी ये अनुमति प्रदान करती है परंतु गिरफ्तारी अवैध है अनवांटेड अरेस्ट है अवैध गिरफ्तारी यदि होती है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होती है तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल बाईस के अंतर्गत उन राइट्स को उन महत्वपूर्ण अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया कि जो कोई व्यक्ति मात्र गिरफ्तार हो जाने से अपराधी की श्रेणी में नहीं आता इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति को भी वे बुनियादी अधिकार हैं जो मानव होने के नाते मानव को प्राप्त हैं सिवाय कुछ अधिकार को छोड़कर भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता घूमने की स्वतंत्रता कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़ कर के मात्र गिरफ्तार हो जाने से व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता या गिरफ्तार हो जाने से व्यक्ति मानव परिभाषा के बाहर नहीं हो जाता मानव मनुष्य की परिभाषा या मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता मात्र गिरफ्तार हो जाने से तो इसलिए उस गिरफ्तार व्यक्ति को भी वे सभी मानव अधिकार उपलब्ध होने चाहिए जो एक मानव को मानव होने के नाते मानवाधिकार उपलब्ध हैं मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है यू डी एच आर नाइन्टीन फोर्टी एट वह यू डी एच आर नाइनटीन फोर्टी एट के अंतर्गत भी अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध टॉर्चर के विरुद्ध यातना के विरुद्ध इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रोटेक्शन दिया हुआ है और वहीं पर साथ ही साथ उस यूडीएचआर में प्रिजम्पन अग, प्रिजम्सन अगेंस्ट इनोसेंस दिया हुआ है जो निर्दोषिता की उपधारणा प्रिजम्सन ऑफ इनोसेंस निर्दोषिता की उपधारा है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समझ साबित न हो जाए ला लाप्रज्यूम करती है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समझ साबित न हो जाए तो इस प्रिजम्पन के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह मात्र गिरफ्तार हो जाने से अपने मानवाधिकार से वंचित नहीं हो जाता अपने महत्वपूर्ण अधिकारों से या जो वैल्यूएबल प्रेसिस उसके राइट हैं उस अधिकारों से वंचित नहीं हो जाता इसलिए कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़कर जैसे मैंने बताया कि भाषण नहीं दे सकता इंट्रैक्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको छीनी जा सकती है भ्रमण जो जो वह स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकता है उसको पहले स्वतंत्रता थी आफ्टर अरेस्ट जो है उसे नहीं ये सब स्वत, दो स्वतंत्रताओं से वंचित किया जा सकता है परंतु उसको जीने का अधिकार उसको अपने गिरफ्तारी के आधारों को जानने का कुछ बुनियादी अधिकार उसको तब भी बने रहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने गिरफ्तार व्यक्तियों को भी कुछ बुनियादी अधिकार संविधान की आर्टिकल 22 में ही प्रावधान 22 में ही समावेशित किया है तो आर्टिकल 22 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं उन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है इसलिए मैंने स्लाइड के माध्यम से दोनों प्रावधानों को एक स्लाइड पर देने का दिखाने का प्रयास किया कि आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 उसके आगे जो लिखा है अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है दूसरी स्लाइड आप देखें अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कैसे है पहले मैंने बताया है कि गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार आर्टिकल बाईस एक में दिया हुआ है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अनहार्ड ग्राउंड ही हैज बीन अरेस्टेड दूसरा उसका जो इंपॉर्टेंट राइट है गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार और तीसरा स्लाइड पर देखें कि अपनी रुचि के वकील से परामर्श या बचाव करने का अधिकार ये मैंने उसको नीचे लिखा हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 303 तीन, तीन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है तो अब इसको एक एक करके देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट जो राइट है यह आर्टिकल 22 के अंतर्गत किस रूप में और किस सीमा तक अभियुक्त को प्रदान किया गया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार दिया गया है अब यह क्यों इसको आवश्यकता पड़ी आप देखें कि, कि किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी को आधार बिना आधारों को संसूचित किए बिना उसे गिरफ्तार करना संविधान की आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन माना जाएगा और आधार को जानने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का इसलिए मौलिक अधिकार है कि जब तक वह अपने गिरफ्तारी के आधारों को जानेगा नहीं तब तक वह अपना बचाव उचित ढंग से प्रभावी तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपने को निर्दोष साबित होने का बचाव का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष ट्रायल जो फेयर ट्रायल है फेयर ट्रायल के लिए निष्पक्ष विचारण के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं विचारण दूषित हो जाएगा ट्रायल फेयर नहीं माना जाएगा यदि व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को न सूचित सूचित किया जा न बताया गया हो तो वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह दावा कर सकता है कि गिरफ्तारी के समय प्राधिकारी के द्वारा आधारों को उसको नहीं बताया गया तो इसलिए भी गिरफ्तारी के आधारों को बताने की बाध्यता सी के अंतर्गत भी की गई है और ये संविधान के आर्टिकल 22 एक के अंतर्गत भी गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार गिरफ्तार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है अब दूसरा आते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन ट्वेंटी आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति का है यदि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए तो वह गिरफ्तारी असंवैधानिक हो जाएगी और असंवैधानिक गिरफ्तारी एक बार न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त कर प्रदान कर दिया गया गिरफ्तारी असंवैधानिक है तो वह वह गिरफ्तार हुआ व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी से कंपनसेशन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है उसको अभी बाद में देखेंगे यहाँ देखें गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार यह उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल बाईस के अंतर्गत अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक बता दूँ कि स्क्रीन पर आप देखें इसी जो गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है प्रस्तुत होने का अधिकार है यह इसके अंतर्गत तो ट्रांजिट रिमांड की एक बात आती है अब इससे निकल करके आया ट्रांजिट रिमांड ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजित रिमांड। अब कैसे पढ़ने के जो तरीके हैं ट्रांजिट रिमांड उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं जैसे कोई अपराध करने के पश्चात मर्डर हुआ हत्या हुई कानपुर में और हत्यारा कानपुर से फरार होकर के वह नागालैंड में उसकी गिरफ्तारी होती है या घटनास्थल से बहुत दूर इसको कहें कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में गिरफ्तारी होती है तो अब चूंकि संवैधानिक बाध्यता है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना है अपराध हुआ है कानपुर में तो हत्या अगर कानपुर के कानपुर में हुई है तो कानपुर सत्र न्यायालय को उस अपराधी को दंडित करने की पावर है न कि अन्य किसी न्यायालय को तो इस कानपुर सत्र न्यायालय के समक्ष उस अभियुक्त की पेशी किया जाना है परंतु वह अभियुक्त हत्या करने के पश्चात फरार हो जाता है और उसको पुलिस कलकत्ता से बरामद करती है अब कलकत्ता से कानपुर लाने में एक दिन का समय लग सकता है दो दिन का समय लग सकता है तो 24 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है हालांकि यात्रा के समय को निकाल करके 24 घंटा उसको काउंट किया जाता है गिना जाता है परंतु गिरफ्तारी चूंकि कलकत्ता हुई है और जो प्लेस ऑफ क्राइम है वह कानपुर है तो कानपुर के सत्र न्यायालय में उस अभ्युक्त को पेश किया जाना है अब ऐसा संभव है कि प्राय जैसा कि मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आता है कि का वहाँ कलकत्ता से कानपुर लाए जाते समय रास्ते में उस अभ्युक्त के विरुद्ध कोई अनहोनी भी हो सकती है हो सकता है एनकाउंटर हो जाए या पुलिस उसके प्रति कोई हिंसात्मक कार्रवाई करे इसलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा इस संविधान में प्रावधान रखा गया कि गिरफ्तारी से ठीक 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए अब उस अभियुक्त को कोलकाता में ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा एक आर्डर पास किया जाएगा कि इस अभियुक्त को मेरे समक्ष आज जिस तारीख और समय पर प्रस्तुत किया गया और मैं अभी से कानपुर सत्र न्यायालय को या कानपुर न्यायालय को ले जाने के लिए इस पुलिस पुलिस का नाम इन लोगों को अधिकृत करता हूँ अधिकार देता हूँ इससे ये बातें साबित हो जाएंगी कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है गिरफ्तारी का समय और टाइम मालूम हो चुका है और मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर उसमें टाइम मेंशन कर दिया जाएगा अब पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी या उसके प्रति हिंसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी सारी जानकारी न्यायालय के संज्ञान में आ चुकी है आज के समय की बात करें तो आज इलेक्ट्रॉनिक ई के द्वारा से जैसे वह गिरफ्तार होगा और न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा अभियुक्त कलकत्ता से कानपुर बाद में पहुंचेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन वह न्यायालय को ईमेल के माध्यम से पहले पहुंच जाएगी कि आज मेरे समझ इतने बजे इतने समय पर इस अभियुक्त को हत्या के आरोप में कानपुर पुलिस को सुपुर्द किया गया और कानपुर पुलिस यहाँ से इसको ले जा रही है तो अब देखें अभियुक्त के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून संविधान के अंतर्गत इस सीमा तक उसके हितों को सुनिश्चित किया जा रहा है केवल इसलिए कि जब तक उसका दोष नहीं साबित हो जाएगा न्यायालय के समझ वह निर्दोष हो सकता है इसलिए इस इस धारा के तहत उसको वे सभी अधिकार दिए जा रहे हैं तो उस न्यायालय के द्वारा जो जहाँ पर प्लेस ऑफ अरेस्ट है उस स्थान की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को ले जाने के लिए पुलिस को जारी किया गया आदेश यह ट्रांजिट रिमांड कहलाता है ट्रांजिट रिमांड न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया वह आदेश है जो अभियुक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान के न्यायालय को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है अब ट्रांजिट रिमांड मिल जाने से अभियुक्त को भी प्रोटेक्शन मिल गया और पुलिस भी सामान्यतः एक प्रकार से प्रोटेक्टिव हो जाती है कि अगर अभियुक्त उसके खिलाफ़ कोई आरोप लगाता है कि इन्होंने कस्टोडियल में वायलेंस किया है मारा है पीटा है तो वो दिखा सकते हैं कि मैंने गिरफ्तारी से ठीक इतने समय के भीतर मैंने मजिस्ट्रेट मैं के समझ प्रस्तुत कर दिया है और मैंने कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है तो दोनों के लिए एक प्रकार से प्रोटेक्शन होता है चूँकि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक बाध्यता है और यह ट्रांजिट रिमांड कैसे इसे कनेक्टेड है ट्रांजिट रिमांड का प्रावधान सीआरपीसी में दिया गया है अब देखें भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 और सीआरपीसी की धारा 76 के अंतर्गत कैसे वह ट्रांजिट रिमांड एक दूसरे से संबंधित है इसको मैंने एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया है तो ट्रांजिट रिमांड मिल जाने के पश्चात अब ऐसा अभियुक्त सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा यह गिरफ्तारी से चौबीस इसीलिए निकटतम मजिस्ट्रेट वर्ड की यूज किया गया है सक्षम न्यायालय नहीं यूज किया गया आप देखें आर्टिकल बाईस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड यूज किया गया है गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया नॉट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट तो सक्षम न्यायालय वह होगा जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वो अपराध घटित हुआ है तो निकटतम जहां पर प्लेस ऑफ ऑफरस्ट है वहीं के न्यायालय को मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रोड्यूस किया जाए और अनुमति मिलने के पश्चात वहां से उसको अभिद को उस स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाए यह भी हो गई आर्टिकल ट्वेंटी टू बाईस का दूसरा खंड हो गया तीसरा इस पर देखें स्लाइड में आ, जो अवैध गिरफ्तारी के विश्व अन्व गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है वह अपनी रुचि के वकील से बचाव करने का अधिकार है सेक्शन 303 सीआरपीसी में भी ऐसा लिखा हुआ है अब संविधान के आर्टिकल 22 और सीआरपीसी की धारा 303 को कैसे आप एक साथ पढ़ सकते हैं और ये सबसे बेहतर है पढ़ने का तरीका कि मैं केवल संविधान के साथ साथ अगर अन्य किसी कानून में जो इसका एक आनुषंगिक कानून है सी आर पी दंड प्रक्रिया संहिता जो गिरफ्तारी से संबंधित विधि है वह गिरफ्तार से संबंधित व्यक्तियों के विषय में जो बात करती है वह सी की धारा तीन तीन के अंतर्गत भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद अधिवक्ता से बचाव कराने का अधिकार उसका लीगल राइट है तो अगर ये पूछा जाए कि अपने मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार यह मौलिक अधिकार है या लीगल राइट है तो आंसर आपका होना चाहिए कि यह लीगल राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है कैसे मौलिक अधिकार इसलिए है कि यह संविधान के आर्टिकल 22 एक के अंतर्गत बाईस में दिया गया है और लीगल राइट भी है क्योंकि यह सी की धारा तीन तीन के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का बचाव का अधिकार प्राप्त है तो सी की धारा 303 और संविधान के आर्टिकल 22 को एक साथ देखेंगे अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर देखें गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यह गिरफ्तार व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अधिकार है गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार यह संविधान की आर्टिकल ट्वेंटी टू बाईस में भी है और यह सी की धारा पचास के अंतर्गत भी है जैसा कि मैंने लिखने का प्रयास ये स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है अब सीआरपीसी की धारा पचास में क्या प्रावधान किया है इसको साथ ही देख लें उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार होगा और पुलिस अधिकारी के लिए भी यह बाध्यकर होगा कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करे और गिरफ्तार व्यक्ति को यह भी बताए कि वह जमानती अपराध या किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है यदि वह जमानती अपराध किया है और जमानत देने को तैयार है तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो अब यहाँ देखें कि जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है गिरफ्तार के आधारों को जानने का अधिकार यह दो कानूनों में दिया गया है देश की सर्वोच्च विधि संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी और सीआरपीसी की धारा पचास के अंतर्गत भी गिरफ्तारी के जानने का अधिकार दिया गया है अब नेक्स्ट आते हैं इसको गिरफ्तार व्यक्ति का अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार अभी ठीक पहले इसके मैंने बताया कि यह आर्टिकल बाईस ट्वेंटी टू के अंतर्गत भी है और सीआरपीसी की धारा तीन सौ तीन के अंतर्गत भी दिया गया है ठीक उसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है यह सीआरपीसी के की धारा तीन सौ चार देखें इसमें क्या है यह बात करता है राइट टू फ्री लीगल एट की राइट टू फ्री लीगल एट ये मैंने इस पर लिख दिया है और साथ ही साथ हम ये प्रारंभिक परीक्षा को प्री को पास करने का लिखित परीक्षा में लिखने का तरीका है कि हम संविधान से और अगर सीआरपीसी लिख रहे हैं तो सीआरपीसी के प्रावधान को हम संविधान से कैसे जोड़ सकते हैं सबसे बेस्ट वे है तरीका है अच्छे नंबर प्राप्त करने का और अच्छी समझ दर्शित करने का क्योंकि हम देश की सर्वोच्च विधि संविधान होने के नाते समस्त विधियाँ संविधान से ही पावर लेती हैं इसलिए संविधान का भी जानकारी और जिस लॉ को हम सी को लिख रहे हैं तो सीआरपीसी के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधानों से जोड़ते हुए लिखने का प्रयास करना चाहिए अब गिरफ्तार व्यक्ति का अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार है आप देखें स्लाइड के माध्यम से मैंने बाईस और 303 लिखा है राइट टू फ्री लीगल एड 304 में लिखा है तीन केस मैंने इस पे लिखा है खत्री बनाम बिहार राज्य हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज और अजमल कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य या आई आर सुप्रीम कोर्ट तो मैं इसमें जो सबसे अंतिम केस है अजमल कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य आई आर दो हज़ार बारह सुप्रीम कोर्ट की केस को बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अजमल कसाब मामले में भी आप देखें भारत की न्यायिक प्रक्रिया कितनी सुदृढ़ है और कितनी लोकतांत्रिक है कि अजमल कसाब जो बॉम्बे ताज होटल में अटैक किया था जो हमलावर था बॉम्बे बम मुंबई ब्लास्ट का जो है वो मास्टर था उस अजमल कसाब को जीवित पकड़ने के लिए जिन हमारे पुलिस जवानों ने शहादत दी उस इतने दुर्दांत अपराधी अजमल कसाब को भी जब देश का कोई न्याय देश का कोई भी अधिवक्ता उसके मामले को केस को लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो न्यायपालिका की देखिए यहाँ पे ब्यूटी है भारतीय न्यायपालिका की कि उसके बावजूद भी ये जानते हुए कि यह आतंकवादी है और बावजूद उसके हमने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को उजागर करते हुए जाहिर करते हुए ऐसे दुर्दांत आतंकवादी के भी मामले को अधिवक्ता के द्वारा उसकी तरफ से अजमल कसाब की तरफ से लड़ा गया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसमें कोई एमिकस की कोई एक ऐसा अधिवक्ता अपॉइंट कर दें चूँकि यह आतंकवादी है इसके कोई कोई भी देश का कोई एडवोकेट लड़ने को तैयार नहीं है केस तो इसका फिर निस्तारण कैसे होगा और बचाव का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष साबित न हो जाए यह जानते हैं कि साच उसके विरुद्ध है लेकिन न्यायालय को डिसाइड करना है और डिसाइड करने के लिए आर्ग्यूमेंट बहस होना चाहिए ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल होने के लिए अभियुक्त की तरफ से भी अधिवक्ता को न्यायालय में बहस करना है और अभिवक्ता की तरफ से कोई अगर अभियुक्त की तरफ से अगर कोई अधिवक्ता नहीं खड़ा हो रहा है तो न्यायालय एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसको नहीं दे सकती है क्योंकि हमारे यहाँ जो पद्धति अपनाई गई आपराधिक मामलों में वह पीड़ित की तरफ से भी और अभियुक्त की तरफ से दोनों तरफ से हम अधिवक्ता की परामर्श को लेते हैं और तब उसके पश्चात किसी निष्कर्ष पर न्यायालय पहुँचता है तो अजमल कसाब के मामले में भी उस आतंकवादी को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई और देखिए सरकार के खर्चे पर सरकारी अधिवक्ता अधिवक्ता की अपॉइंट करने के एडवोकेट के माध्यम से उसे भी उसे भी आ, अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का अवसर प्रदान किया गया यद्यप कि उसे उसकी जो उसका जो अपराध था अक्षम्य था और अंतिम रूप से उसे फांसी दी गई लेकिन फिर भी हमने संविधान के प्रति आ, अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए ऐसे दुर्दांत अपराधी को भी विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई तो अब देखें नेक्स्ट 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार यह एक केस मैंने इसे नीचे लिखा हैवीएस रिट आर्टिकल बत्तीस दो अगर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह जो गिरफ्तारी है क्या होगी असंवैधानिक है उपचार क्या होगा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि उसे कंपनसेशन प्रतिकर दिया जाएगा ये प्रतिकार हो गया है प्रतिकर दिया जाएगा और सदोष परिरोध के लिए भी आईपीसी की धारा 342 के अंतर्गत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है अब एक एक करके देखते हैं कि 24 घंटे के भीतर यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता गिरफ्तार व्यक्ति तो इसको क्या अधिकार उपलब्ध है यह हाइबियस कार्पस से होती है जो यहाँ पर आ, मैंने हाईलाइट करने का प्रयास किया है आप सभी को जा, आप सभी जैसा कि जानते होंगे संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत पांच प्रकार की रिटें हैं हाइबियस है कार्पस मैंडमस कोवारंटो वारंटो सैरसोर सेसोरारी संविधान के आर्टिकल 32 के दो के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए कोई भी आदेश निर्देश अथवा ये पांच रिटें जारी कर सकती है पांच रिटों के अलग अलग उद्देश्य हैं जो पांच रिट याचिकाएं हैं इनके अपने प्रत्येक रिट याचिका का अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्राउंड है कि किस आधार पर कौन सी रिट याचिका दायर की जाएगी तो जहां पर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया अवैध रूप से गिरफ्तार रखा गया है ऐसे अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को जिसे पुलिस टाइम प्लेस शो नहीं करती कहाँ रखा है ये भी शो नहीं करती तो उस गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसके परिवार का कोई सदस्य अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जिस एक एप्लीकेशन आवेदन दायर करेगा उस आवेदन को हम सीधे वह संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है या आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधे हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सकता है और जो याचिका होगी उस याचिका का नाम होगा बंदी प्रतिष्ठिकण रीटा फैबियस कार्पस उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत रिट याचिका हैविएस्ट हैबियस्ट कार्पस जिसका शाब्दिक अर्थ है टू प्रोड्यूस बॉडली सशरीर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें जो डिटेन किया गया है जिसको गिरफ्तार गर, किया गया है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत निर्देशित कर सकता आदेशित कर सकता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल दो के तहत ऐसे प्राधिकारी को जिसने किसी को डिटेन किया अरेस्ट किया है सशरीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर सकता है और प्रस्तुत किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है या कोर्ट क्या कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह पूछ सकता है कि व्हाट ग्राउंड यू हैव अरेस्टेड दिस मैन व्हाट ग्राउंड उस गार उस कारण को उस हाइबियर कार्पस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जान सकते हैं यदि गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी गिरफ्तारी के उचित आधार को न्यायालय के समक्ष संतुष्ट नहीं कर पाता है तो गिरफ्तारी असंवैधानिक मानी जाएगी अवैध न्यायालय ठहरा सकता है और जैसे ही वह गिरफ्तारी असंवैधानिक होगी वैसे ही उस अवैध गिरफ्तार व्यक्ति को उस प्राधिकारी से कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा या उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 342 के अंतर्गत दर्ज कर सकता है मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति जिसको न्यायालय उसकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित कर दी है कितना कंपनसेशन मिलेगा उसको उतना कंपनसेशन मिलेगा जितनी उसकी जितने दिन के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है और जितने दिन का उसका लाश हुआ है प्रतिकर हमेशा मैंने आपको जैसा कि बताया फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर वह एक महीने जेल में रहा है एक महीने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी असंवैधानिक हुई है तो एक महीने में अगर सपोज वह व्यापारी है तो एक महीने में जो बैलेंस शीट अगर वह जमा कर रहा है तो बैलेंस शीट में एक महीने का जो उसका इनकम आया है उसको ध्यान में रखते हुए और प्लस एक महीने का जो ब्याज है साधारण ब्याज उस पर मिल सकता है उसको न्यायालय उस गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारी को देने के लिए व्यस्त कर सकता है और पुलिस प्राधिकारी के द्वारा उतना धनराशि उसके खाते में जमा करनी होगी यह उपचार है कंपनसेशन का ले सकता है और यदि न्यायालय के समक्ष ये सदोष पैरोद का मुकदमा भी दायर हो सकता है अब आते हैं अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का योगदान देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आ, सुप्रीम कोर्ट का क्या योगदान है अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए तो इस पर मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको दो केस लिखा है एक है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई और दूसरा केस लिखा है ये डी के बसु डी के बसु वर्षेज पश्चिम बंगाल राज्य या ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब जोगिंदर कुमार केस में जो आ, आ, सुप्रीम कोर्ट इसको अब एक एक करके देखते हैं कि दोनों में क्या गाइडलाइन दी गई है <coughs> जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में अवैध गिरफ्तारी रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहली बार सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि पुलिस गिरफ्तारी के दौरान अरेस्ट मेमो तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा प्रायः गिरफ्तारी जब अभी की होती है पुलिस करती है गिरफ्तार तो उसमें समय और स्थान का उल्लेख नहीं करती टाइम क्योंकि अगर समय का उल्लेख कर देगी तो वैसे ही 24 घंटे की काउंटिंग शुरू हो जाएगी कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने की बाध्यता बाध्यता हो जाएगी इसलिए जानबूझ कर प्राय ऐसा देखने में आता है शिकायत मिलती है राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार के माध्यम से कि पुलिस गिरफ्तारी के टाइम को सामान्यतः नहीं पदेश करती थी इसलिए उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विषय उसके अधिकार के विषय में बताने की जवाबदेही पुलिस को है जोगिंदर कुमार केस में जो दूसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना पुलिस के द्वारा दी जाएगी जो गिरफ़्तार व्यक्ति है अगर वह अपनी गिरफ्तारी के विषय में घर वालों को सूचना देना चाहता है मित्र को सूचना देना चाहता है तो पुलिस ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र को या गिरफ्तार व्यक्ति के माता पिता को घर वालों को सूचना गिरफ्तारी के विषय में देगा पहले ऐसा प्रावधान नहीं था उसका उद्देश्य क्या है ऐसी सूचना देने से कम से कम घर वाले या उसके मित्र यह जान जाए कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के अनावश्यक जो कस्टोडियल वायलेंस है अभी में हिंसा की जो संभावना हो सकती है उससे उसको बचाया जा सके इसके पीछे ये भी मनसा है अब दूसरा देखते हैं डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य या ए या 1997 का केस क्या है आप जैसा कि जानते होंगे अवैध गिरफ्तारी रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य या ए 1997 का केस सबसे महत्वपूर्ण केस अभी तक का है पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीके बासु केस में अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए और पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा इससे संबंधित दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष उन्नीस में दिया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस दिशा निर्देश का पालन न करना गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायिक अवमानना माना जाएगा और कार्रवाई भी की जा सकती है आप सभी देखे होंगे कि देश के सभी सभी राज्यों में और देश के सभी पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो पुलिस स्टेशन के बाहर पूरे एक बोर्ड पर इस डी के वसुभ नाम पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा राज्य में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का स्पष्ट उल्लेख होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का डी के बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आई आर में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के को पालन करने के लिए यह पुलिस कर्तव्यबद्ध है और ये स्वयं ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जो मैं निर्देश ये दिया जा रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित जानकारी भी है कम से कम यह पुलिस थाने के बाहर ऐसे दृश्यमान स्थान पर ऐसे लगाए जाएँ जिससे कि वह गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारी के लिए एक दर्पण का कार्य करेगा मिरर का कार्य करेगा कि जब गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी गिरफ़्तार करके पुलिस थाने में लेके आएगा तो उस गाइडलाइन को तरफ जैसे उसका ध्यान जाएगा वैसे ही उस उस वह वे कार्य नहीं कर पाएगा जो पुलिस हिंसा में उसके प्रति यातना या वायलेंस कमिट कर रहा था वह अपने उस इस केस में दिए गए दिशा निर्देश को एक दर्पण के रूप में जैसे मिरर में वह चेहरा देखता है व्यक्ति अपने चेहरे को देखता है उसी तरह से इस दिशा निर्देश को देखने के पश्चात पुलिस को एहसास हो जाएगा कि उसके पास क्या पावर है उसके हाथ जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दिशा निर्देश के माध्यम से बांध दिए हैं और वह कस्टोडियल वायलेंस कोई भी हिंसा नहीं कर सकता है अभी में यातना नहीं दे सकता है यह इतना प्रभाव है इस डी के बसु का केस का तो और जो गिरफ्तार व्यक्ति है अगर वह उसके परिवार का भी कोई सदस्य आता है तो वह समझ सकता है कि इसमें क्या क्या दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और वह इस दिशा निर्देश में उसके पास क्या पावर है किस किस लोगों का दरवाज़ा खटखटा सकता है अधिवक्ता से परामर्श ले सकता है किस कोर्ट में जा सकता है ये भी लिख देने से जो गिरफ़्तार व्यक्ति हैं अगर वो निर्धन है गरीब है निर्धनता के कारण जो है वह अपने अधिकारों के प्रति अशिक्षित है अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो उस दिशा निर्देश के माध्यम से भी वह उसके लिए वह दिशा निर्देश सहायता होगी इस निर्णय का इतना दुर्गामी प्रभाव है कि मैं अब दिशा निर्देश को एक एक करके बताऊं कि इस डी के बसु की केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश दिया है एक एक दो दो करके तो पहली जो गाइडलाइन है वह गाइडलाइन मैं बता रहा हूं गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में सूचना उसके परिवार या मित्र को देना यह गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारी की जवाबदेही है कि वह गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार नातेदार रिश्तेदार या उसके मित्र को देगा क्यों देगा लॉजिक मैंने बता दिया पहले ही अन्वेषण के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श लेने का उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान भी यह अधिकार होगा कि अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श कर सके तीसरा इसमें जो गाइडलाइन दिया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि गिरफ्तारी की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा संबंधित जिले के पुलिस कप्तान को दी जाएगी और कितनी गिरफ्तार हुई कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जिले में उसका पूरा एक डेटा पूरी पूरा उसका एक डिटेल जिले स्तर पर भी मुख्यालय स्तर पर भी दिया जाएगा तो इस अधिकारी को सूचना दे देने से होगा कि अब पुलिस भी कस्टडी में कोई अलेंस नहीं कर पाएगी उसका अधिकारी भी जो उसका सुपीरियर अधिकारी है वह भी गिरफ्तारी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके इस दिशा अगला दिशा निर्देश इस डी के बसु के केस में कहा गया माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार है यद्यपि की गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार सीआरपीसी की धारा पचास में पहले से दिया गया है परंतु गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार सीआरपीसी की धारा पचास में दिया गया था और कई जो अलग अलग स्कैटर्ड फार्म थे कई जगह दिए गए थे उसको मान्य उच्चतम न्यायालय ने एक जगह ला दिया दिशा निर्देश डी के केस में ऐसा करके फिर यदि अपराध जमानती है तो उसमें छोड़ने का या धारा पचास में सी में ही लिखा हुआ है पुनः डीके बसु डीके बसु बासु केस में अन्य अगला जो दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया कि गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो तैयार करेगा उस अरेस्ट मेमो में, में गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करेगा जिसको हम अरेस्ट मेमो कहते हैं उस गिरफ्तारी प्रपत्र में गिरफ्तार व्यक्ति का नाम उम्र डिटेल उसका पूरा विवरण समय और तारीख और वहाँ के उसके परिवार के किसी सदस्य या स्थानीय किसी नागरिक के हस्ताक्षर दो व्यक्तियों के उस पर सिग्नेचर ले लेगा तो कम से कम आ, इसका उद्देश्य क्या है कि अरेस्ट मेमो तैयार करने से अरेस्ट में पूरी गिरफ्तारी का विवरण लिखा जाए और वहाँ कोई स्थानीय नागरिक का भी उस पर एज ए गवाह के रूप में अगर उस पर ले लिया जाए तो निश्चित रूप से जो पुलिस कस्टोडियल वायलेंस करती है हिंसा करती है उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी इस उद्देश्य से ये प्रयास किया गया अब इसके पश्चात जो अरेस्टिंग ऑफिसर है गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी ये तो ऑलरेडी प्रावधान सीआरपीसी में था ही ये भारतीय संविधान में भी यह प्रावधान है परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसी गाइडलाइन में लिख दिया कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा गिरफ्तारी अवैध समझी जाएगी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने की बात था अब गरीब है निर्धन है अब इसको देखें कि ये अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो योगदान है ये इस केस में कैसे नेक्स्ट मैंने कुछ इस पर महत्वपूर्ण केस मैंने बताया है कि जो अवैध गिरफ्तारी है स्लाइड के माध्यम से देखें तो कुछ कानून भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए पहला कानून जो बनाया गया हुआ देखिए अनलाफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन प्रिवेंसन एक्ट 1967, दूसरा कानून बना टाडा तीसरा कानून बना पोटा और चौथा मैंने लिखा है मिसा 1980. इस इनके माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा ए के राय ए के राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर सुप्रीम कोर्ट दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वह हैबियस कार्पस केस इसको भी बोलते हैं ए जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट इस पर भी इसको एक एक करके देखते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा निवारक निरोध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए गए आर्टिकल 22 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वह संगे अपराध न कर पाए एहतियात के तौर पर पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे कि बड़ा अपराध होने से रोका जा सके एक तो अरेस्ट होता है पोस्ट कमीशन ऑफ क्राइम अपराध करने के पश्चात गिरफ्तारी होती है और एक गिरफ्तारी अपराध करने के पूर्व ही होती है तो प्री ये दो प्रकार की गिरफ्तारियों का प्रावधान किया गया है अपराध करने के पश्चात गिरफ्तारी अपराध करने के पूर्व गिरफ्तारी तो अपराध करने की पूर्व जो गिरफ्तारी का प्रावधान है उसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना भी बनी रहती है कि हम किसी भी व्यक्ति को मात्र इस आधार पर गिरफ्तार कर लें आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लें कि वह आतंकवादियों से साँगांठ रखता है या अपराध करने जा रहा था इस आशंका के आधार पर हम उसे गिरफ्तार कर लें लेकिन फिर भी देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की संप्रभुता और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय संसद ऐसे कानून बनाए जिसमें व्यक्ति यदि अपराध करने की भी चेष्टा करे तो उसे पहले ही एहतियात के तौर पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए सबसे पहला प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा मिस्टर इंदिरा गांधी ने पहला प्रयास किया वह कानून का नाम है अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 मैंने उस पर लिखा हुआ है इसको संक्षेप में इसको संक्षेप में उल्पा बोलते हैं अनलाफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट ये संक्षेप में मैंने लिखा है अनलाफुल अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 सिक्सटी उन्नीस सौ वर्ष उन्नीस में भारतीय संसद के द्वारा ये कानून पारित किया गया इस उद्देश्य से कि देश में जो जो गतिविधियाँ बढ़ रही थीं हिंसक कार्रवाई हिंसक गतिविधियाँ बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पहला प्रयास किया गया परंतु टाँटा बनाया गया 1987 में जैसा कि आप जानते होंगे राजीव गांधी सरकार ने 1987 में एक आतंकवादी निरोध अधिनियम बनाया टेरिस्ट एंड डिस्टरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1987 आतंकवाद निरोध अधिनियम उन्नीस टाटा टाडा को भी उसके अंतर्गत संजय दत्त का मामला था संजय दत्त को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था टाडा भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था अब यह टाडा लगा कि जब वर्ष 2000 में भारतीय संसद को लगा कि टाडा अप्रासंगिक हो गया है तो टाडा को समाप्त करके तत्कालीन एनडीए सरकार वाजपेयी सरकार के द्वारा पोटा कानून बनाया गया पोटा दो पोटा कानून भी आतंकवाद से निपटने के लिए एक सशक्त कानून बनाया गया भारतीय संसद के द्वारा चौथा मैंने लिखा था कि मिसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 तो ये देखें इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा मिसा नाइनटीन 1971 का कानून पाँचवा इसमें मैं आगे बढ़ दूं लिख दू एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन्नीस सौ अस्सी का है नाइनटीन सेवेंटी वन का है मिसा और जो पाँचवा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाइनटीन एटी ये दोनों कानून इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बनाया गया जिसको जिसको देखें मिसा का क्या अर्थ है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 1971 का कानून है पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इसको हम रासुका बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अगर कोई प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अगर आपराधिक प्रयत्न प्रयास है तो वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो सकता है एन की कार्रवाई हो सकती है यह एन एस के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है अब प्रश्न होता उठता है कि अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में ये जितने भी हमारे प्रिवेंटिव लॉज बनाए गए निवारक निरोध बनाए गए टाडा समाप्त कर दिया संसद ने तो पोटा बनाया पोटा को समाप्त कर दिया गया तो अब वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कौन से प्रावधान किए जा रहे हैं अगर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि आतंकवादी गतिविधि होने वाली है हुई नहीं है तो भी उनको प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है एहतियात के तौर पर डिटेन किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि वर्तमान में वही उल्पा जो अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है नाइनटीन का इसी को संशोधन करके दो वर्ष दो हजार आठ से इसी कानून के तहत बना था बेसिकली वह 1967 में उसी में संसद ने संशोधन करके अब वर्तमान में आतंकवादियों से निपटने के लिए वह कानून चल रहा है तो ये तो हो गए संसद के द्वारा बनाए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अब इसमें देखते हैं कि ये जो मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नाइनटीन का इसी का दुरुपयोग किया गया पच्चीस जून उन्नीस को जब राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई पूरे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के पीछे जो कानून था भारतीय संसद का उस कानून का नाम है मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह आंतरिक सुरक्षा भारतीय संविधान की आर्टिकल तीन के तीन सौ के अंतर्गत एक आधार था जो संविधान की आर्टिकल 359 फिफ्टी ये प्रावधान करती थी कि भारत का जब कभी भी आंतरिक बाह्य है आक्रमण आंतरिक सुरक्षा के आधार पर तीन शब्दावलियाँ उसमें लिखा हुआ एक्सटर्नल एग्रेशन युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक सुरक्षा के आधार पर जब देश को खतरा हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है उसी आंतरिक सुरक्षा एक ग्राउंड था आंतरिक सुरक्षा के आधार पर राष्ट्रीय आपात वर्ष 1975 में पूरे देश में लगाया गया और जैसा कि आप जानते होंगे 1977 में जब जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई तो पहला काम किया चौवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा उस आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के ग्राउंड को समाप्त कर दिया गया और संशोधन करके वहां पे आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया कि अगर इंटरनल डिस्टरबेंस है तो हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे पहला फिर भी मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था कि आ, ये आर्टिकल बाईस के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण केस है वह केस उस केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत स्लाइड पर आप देखें केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ए 1976 सुप्रीम कोर्ट इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से भी जानते हैं रिट ऑफ हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये संविधान की ये संवैधानिक पीठ चार एक से डिसाइड किया गया मैंने जैसा कि ये बताया मीसा 1971 की 1971 सेवेंटी मीसा गलत लिख दिया गया है थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक से ऐसा हुआ है 1971 सेवेंटी है तो मीसा 1971 की धारा 16 क के आधार पर देश में 25 जून 1975 को विपक्ष के कई नेताओं को निरुद्ध रखा गया जेल में रखा गया और उनको गिरफ्तारी के आधारों को भी नहीं बताया गया कि किस ग्राउंड पर किस आधार पर उन्हें डिटेन किया गया है तो इस मामले में एडीएम जबलपुर के द्वारा निर्गत किए गए आदेश एडीएम जबलपुर के द्वारा मिसा के अंतर्गत जो कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें शिवकांत शुक्ला भी प्रत्यर्थी भी थे उन्होंने मिसा की धारा सोलह क की संवैधानिकता को चुनौती दी कि जिसमें बंदी प्रत्यक्षिड़करण याचिका के माध्यम से रिस्पॉन्डेंट चाहता था कि रिट ऑफ फैबियस कार्पस के माध्यम से उच्च न्यायालय ये जाने कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के आधारों को पूछा जाए कि एडीएम डी जबल ने किस एडीएम जबलपुर के किस आदेश के तहत गिरफ्तार किया गया चूंकि ये मामला जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि हाँ ऐसी स्थितियों इस में आपातकाल के दौरान भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता लिहाजा आप देखें अब यह केस पहले केस रहा होगा शिवकांत शुक्ला वर्सेज ए जबलपुर शिवकांत शुक्ला इसमें पीड़ित हैं तो उन्होंने एडीएम जबलपुर के आदेश को चुनौती दिया होगा जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवकांत शुक्ला के फेवर में पक्ष में निर्णय दिया तो उससे व्यथित होकर के स्टेट अपील करती है ए जबलपुर जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करते हैं और जब चूंकि ये ये जो मामला था इसमें बहुत सारी रीट याचिकाएँ विभिन्न राज्यों से पड़ी हुई थी तो जब काजा ऑफ एक होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय में चूंकि न्यायाधीशों की संख्या सीमित है और वाद जब काजा ऑफ सेम हो तो उन मामलों को सभी केस को एक साथ क्लब कर लिया जाता है क्लब करके उस केस को डिसाइड किया जाता है तो इस मामले को जब एक साथ क्लब किया गया और डिसाइड माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से भी हम जानते हैं तो उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के समक्ष विषाणी प्रश्न था कि क्या राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर व्यक्ति के सभी मौलिक अधिकार और जिसमें जीने का अधिकार भी है जिसमें व्यक्ति के अपने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है क्या यह भी समाप्त हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय का सकारात्मक जवाब इस पर आया उच्चतम न्यायालय के बहुमत के निर्णय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का अधिकार जो है यह भी निलंबित हो जाता है सस्पेंड हो जाता है जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहती है तो वे व्यक्ति जो अपनी गिरफ्तारी की वैधता को विभिन्न हाईकोर्ट में चुनौती दिए हुए हैं वे अपने गिरफ्तारी के आधारों को जान नहीं सकते हैं जब तक राष्ट्रीय आपात लागू है तो यह निर्णय थोड़ा सा इस निर्णय की आलोचना भी की गई बाद में कि वे कौन से दबाव थे जिन दबाव के कारण जो ऐसा निर्णय दिया गया और इस प्रकार के निर्णय दिए गए तो इस केस को बहुत कोर्ट किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है इसमें आर्टिकल 22 के अंतर्गत और इस केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अब 44वां संविधान चूंकि जनता पार्टी सरकार विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को इसमें डिटेन किया गया था और जब जनता पार्टी सरकार 1977 में सत्ता में आई केंद्र में आई मुरारजी देसाई के नेतृत्व में तो पहला प्रयास किया गया चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा यह संशोधन किया गया आर्टिकल थ्री के अंतर्गत कि राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में भी समस्त मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं परंतु आर्टिकल बीस और इक्कीस निलंबित तो नहीं हो सकता है जीने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो यह उन आप राष्ट्रीय आपात में की गई किए गए कार्य को की पुनरावृत्ति भविष्य में न होने पाए इसलिए जनता पार्टी सरकार ने चौवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के माध्यम से यह संविधान में संशोधन किया कि अब राष्ट्रीय आपात भी यदि लागू हो जाए नेशनल इमरजेंसी लागू भी हो तो भी गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिकारों की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए न्यायालय के समक्ष हैबियस कार्पोसिट याचिका के माध्यम से आ सकता है तो ये अभी बात क्लियर हो गई कि आज की जो स्थिति ये है इसके स, इससे संबंधित कानून के राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में समस्त मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं सिवाय किन अधिकारों को किन मौलिक अधिकारों को छोड़कर तो आर्टिकल बीस और इक्कीस को आपको याद रखना है अब ये हो गया ए जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के तथ्य फैक्ट और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसके अतिरिक्त आप स्लाइड पर देखें दो केस मैंने नीचे लिखा हुआ भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए आई आर और रुदल शाह रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई सुप्रीम कोर्ट आप देखें इन दो केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रतिकर प्राप्त करने की जो उच्चतम न्यायालय की दृष्टि रही है कम्पनसेटरी जो स्टूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया कि अगर अवैध गिरफ्तारी हो गई तो अवैध गिरफ्तार व्यक्ति राज्य से स्टेट से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है पहला केस इसको भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में देखें आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे भीम सिंह जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के अध्यक्ष भी थे और वर्ष उन्नीस में घटना घटित हुई कि जब भीम सिंह जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में कार्रवाई में भाग लेने जा रहे थे तो पुलिस के द्वारा इनको डिटेन कर लिया गया यद्यप कि विधानसभा की, की कार्रवाई में आज विधायक विधानसभा सदस्य थे और विधानसभा सदस्य के रूप में इनको डिटेन कर लिया गया यह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाए यद्यपि विधानसभा में उनके न जाने से विधानसभा की कार्रवाई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई परंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या किसी विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के गिरफ्तारी करने से यद्यप की विधानसभा बि, की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा फिर भी क्या ऐसी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक उत्तर देते हुए निर्णित किया कि विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार करना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और वह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी यद्यप कि उसके गिरफ्त उसके विधानसभा में सम्मिलित न होने से जिस आ, सदन की प्रक्रिया किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुई फिर भी उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी तो एक बात ये क्लियर हो गई कि भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के केस में अवैध गिरफ्तारी को आप सभी ये जानते होंगे टॉर्ट में भी ये केस ओ बी जस ई रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमडी जहां अधिकार है वहां उपचार का होना आवश्यक है बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब नहीं है ओबी जस्ट जस ई रेमेडियम उसको बोलते हैं लैटिन सूत्र है ओबी जस्ट जस ई रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमडी राइट विदाउट रेमडी वुड बी मीनिंग लेस बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब नहीं है इसलिए यदि अधिकार है तो अधिकार के लिए अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपचार का होना जरूरी है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल बत्तीस जो स्वयं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करती है वह एक मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है आप सभी ये जानते होंगे कि आर्टिकल थर्टी टू उपखंड एक के अंतर्गत आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में वाद लाने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है तो फंडामेंटल राइट वालेट हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है तो ये आ, मैं जो भीम सिंह का केस भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य की केस मैंने बताई दूसरा केस इसमें रुदल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार है स्लाइड पर आप देखें नीचे मैंने लिखा है रुदल शाह बना रुदल शाह वैसे स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर अब इसको देखें अवैध गिरफ्तारी पर यह रुदल शाह की केस आ, कितना महत्वपूर्ण है कि रुदल शाह को वर्ष उन्नीस में 1968 में ही छोड़ने का आदेश दे दिया गया था कि जो उन्होंने अपराध किया था अब यह समाप्त हो गया है इनको 1968 में छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया रुद्दल साहब को 1968 में रिहा करने का आदेश दिया गया कोर्ट ने रिहा दोषमुक्त कर दिया परंतु वह उन्हें 1968 में न छोड़ करके 1982 में साइटेशन देखें 1982 सुप्रीम कोर्ट का केस है 14 वर्ष तक ये जेल में रहे और वास्तव में ये 14 वर्ष पहले छोड़ दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया था आप कल्पना करें उन्नीस का बिहार के जो स्थिति बिहार में 1968 में न्यायालय ने जजमेंट दे दिया कि अभियुक्त को रिहा कर दिया जाए जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऐसी जब व्यक्ति को चौदह वर्ष पहले छोड़ दिया जाना चाहिए वे कौन से कारण थे कि चौदह वर्ष तक उसको जेल में रखा गया तो जेल प्राधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि मेरे पास जो निर्णय की का निर्णय की कॉपी है कोर्ट की जो निर्णय की कॉपी है वह मेरे पास पहुंच नहीं पाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोर्ट ने तो इस मामले में उसको बरी कर दिया था निर्णय ऑलरेडी डिलीवर कर दिया था लाइबिलिटी का फिक्स किया जाना अब जेल प्राधिकारियों की लापरवाही मानी गई जेल अधीक्षक की लापरवाही मानी गई कि वह दस्तावेज का खो देना और उस दस्तावेज को खो देने से यह कहीं न कहीं जेल अधीक्षक की लापरवाही दर्शित होती है और प्रशासन की लापरवाही वह सरकार की लापरवाही सरकार के प्रतिनिधि की लापरवाही से किसी एक व्यक्ति को चौदह वर्ष तक जेल में रहना पड़ा यह एक, एक प्रकार से ये अनलाफुल डिटेंशन माना जाएगा अवैध गिरफ्तारी निरोध उस पूरे डिटेंशन को इलीगल माना गया कि जो चौदह वर्ष तक का जो डिटेंशन था निरुद्ध रखा गया कारावास में वह इलीगल था और उस चौदह वर्ष तक के लिए कैसे कंपनसेट किया जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह राज्य के प्रतिनिधि की लापरवाही से हुआ है इसलिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित किया कि रुदल शाह को प्रतिकर प्रदान किया जाए कंपनसेशन प्रदान किया जाए और रुदल रा रुद्र शाह को इस मामले में कंपनसेशन दिया गया कंपनसेशन यद्यप की बहुत पर्याप्त नहीं थे महत्वपूर्ण बात ये थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहली बार राज्य लापरवाही में राज्य स्टेट रिप्रेजेंटेटिव लापरवाही में लापरवाही मानते हुए प्रतिकर देने की बात कंपनसेशन देने की बात 1982 में ही कही गई 1982 में ही कही गई यह गिरफ्तारी इलीगल है इलीगल डिटेंशन है इसलिए जो पीड़ित व्यक्ति है रुदल शाह उसको प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार उसका लीगल राइट है और यह अब देखें दो केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि रुदल शाह और भीम सिंह केस के माध्यम से कि कंपनसेशन राइट टू गेट कंपनसेशन दैट इज फंडामेंटल राइट और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल केस के अंतर्गत के माना गया उसके जीवन के अधिकार से उसके पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित किया गया चौदह अगस्त तक उसको निरुद्ध रखा गया जेल में रखा गया दूसरा इसमें देखें जो केसर खत्री वर्सेज मैंने स्लाइड में एक लिखा था इस स्लाइड को देखें कि गिरफ्तार व्यक्ति का अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार मैंने इसमें पहले ही लिखा है खत्री बनाम बिहार राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते होंगे इस केस को खतरी बनाम बिहार राज्य की केस को भागलपुर ब्लाइंड मैं इसी पर लिख दूं भागलपुर ब्लाइंडेड प्रिजनर केस के नाम से भी जानते हैं तथ्य मैं इसके फैक्ट को समराइज कर दूं संक्षेप में कि एक ऐसी घटना घटित हुई भागलपुर ज़िला है बिहार में कि जहां पे कुछ व्यक्तियों को अपराध के आरोप में पुलिस थाने में लाया गया और उन पुलिस पूछताछ में पुलिस लाकअप में ही पूछताछ के दौरान उन अभियुक्तों को लगभग चौदह अभियुक्तों की आंखें फोड़ दी आंख की रोशनी उनकी हमेशा के लिए चली गई क्योंकि जो अभियुक्त थे वह समाज के इस तबके से आते थे उस वर्ग से आते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी इतनी नहीं थी कि वह अपने मामले में कोई अधिवक्ता रख सकें अपना बचाव कर सकें यह मामला पूरा राष्ट्रीय मीडिया में आया कि पुलिस लाकअप में चौदह से अधिक अभियुक्तों की आंख आंखें फोड़ दी गई और वह आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो दिए क्योंकि वे निर्धन थे गरीब थे परंतु किसी अपराध में वांछित थे पुलिस ने उनको पकड़ करके पुलिस ला के पुलिस लाकर में पूछ रही थी निर्धनता के कारण वह न्यायालय के समक्ष अपने मामले को लड़ पाने में असमर्थ थे इसमें जनहित याचिका के माध्यम से इस मा इस मैटर को जो उच्चतम न्यायालय तक लाया गया उनका उसका श्रेय जाता है मिसेज हिंगोरानी अभी जस्मा ने इसकी ठीक पहले वाली स्लाइड लेक्चर में बताया था कि कपिला हिंगोरानी ने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और मामला जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो जितने कैदी थे बिहार से उनको बिहार से ट्रांसफ़र करके दिल्ली में उनके आँख का इलाज दिल्ली स्थित नेत्रालय में आई हॉस्पिटल में किया जा रहा था और उनको सर फ्री ऑफ कास्ट उनके इलाज किए जा रहे थे क्योंकि समय पूरा हो गया था इलाज वहाँ पर हो गया था और ये साबित हो गया मेडिकल ओपिनियन थी कि अब इनके आँख की रोशनी हमें सदैव के लिए जा चुकी है अब ठीक नहीं हो सकते पुनः उसी बीच अब आप देखें कि स्टेट के द्वारा स्टेट काउंसिल ने राज्य अधिवक्ता ने यह अप्लीकेशन दायर कर दिया कि चूँकि अन्वेषण हो रहा है उस अन्वेषण में इन लोगों को जो अभियुक्तों की आंख की रोशनी गई है इनको भी अन्वेषण में सहयोग करने के लिए इनसे स्टेटमेंट लेने के लिए इनको बिहार में आना जरूरी है क्योंकि बिहार में आने से वे वापस लौटने में इनकार कर दिए जिनकी आंखें की रोशनी गई थी उन्होंने कहा उनको अंदेशा था इस बात का कि अगर उनको पुनः वहाँ भेजा जाएगा तो उनके उनके प्रति फिर उसी प्रकार की कोई हिंसा हो सकती है बयान बदला जा सकता लिया जा सकता है तो इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक अन्वेषण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सभी अभियुक्त यहीं पर रहेंगे उनका इलाज दिल्ली में ही होगा और अन्वेषण हुआ और उस मामले में सभी जो लापरवाह पुलिस अधिकारी थे उनकी पूरी टीम थी जो उस घटना में इन्वॉल्व थे सबको दोषिद्ध किया गया उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से उन सभी को दोषिध किया गया और सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें निकल कर के आई वो ये थी कि सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि राइट टू फ्री लीगल यह जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है न केवल न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों में उपलब्ध होगा बल्कि निःशुल्क विधिक जो जो फ्री लीगल एड है निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है यह अन्वेषण के दौरान भी जब से अन्वेषण प्रारंभ हो रहा है अन्वेषण के दौरान भी अन्वेषण से ही प्रारंभ होगा पुलिस के समक्ष यह जब अन्वेषण प्रारंभ होगी उसी समय यदि व्यक्ति निर्धन है तो निर्धनता का यदि शपथ पत्र वह प्राधिकारी को देता है तो पुलिस प्राधिकारी उस निर्धन व्यक्ति को सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध कराएगी और ऐसे निर्धन व्यक्ति अन्वेषण के दौरान भी अधिवक्ता रख सकते हैं जिससे कि इससे क्या होगा कि इससे उनके प्रति हिंसा की संभावना कम हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये हुसैन आरा खातून में भी राइट टू स्पीडिड ट्रायल को रिकॉग्नाइज किया गया कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का जो विचाराधीन कैदी हैं उनका शीघ्रतर विचारण जो है फंडामेंटल राइट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस यदि न्याय विलंब से मिलता है तो न्याय न मिलने के समान माना जाता है यह माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में सर्वप्रथम शीघ्रतर विचारण के अधिकार को आर्टिकल इक्कीस का भाग मानते हुए और गिरफ्तार व्यक्ति का विचारा जो डिटेन पर्सन है निरुद्ध जेल में निरुद्ध व्यक्ति हैं उनके विचारण को शीघ्रतर करने के लिए अन्यथा इससे आर्टिकल इक्कीस में प्रदत्त जीने का अधिकार या दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार और उनसे संबंधित उच्चतम न्यायालय के, के केस को बताने का प्रयास किया और इससे संबंधित जितने भी संसद ने कानून बनाए हैं ए डी एम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला बंदी हैबियस कार्पस केस को मैंने बताने का प्रयास किया रुद्र शाह का केस जो भीम सिंह वसे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस को मैंने बताने का प्रयास किया बीना सेठ बना बीना सेठी बनाम बिहार राज्य की केस इसमें इम्पोर्टेंट है तो इस तरह से जिसने मैंने प्रयास किया कि आर्टिकल ट्वेंटी टू से संबंधित सभी संवैधानिक पहलू स उससे संबंधित समय स्टैचूटरी प्रोविजन स्टैचूट में किए गए प्रावधान तथा उससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं मैंने बताने का प्रयास किया है मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आर्टिकल 22 से संबंधित किसी भी परीक्षा में चाहे वह पी की परीक्षा हो ए पी की परीक्षा हो या आई एस की परीक्षा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो यदि पूछा जाता है तो इससे बाहर उसका प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है इतनी यदि इन्फॉर्मेशन सूचना यदि आपके पास होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप शत प्रतिशत इसमें सफल होंगे इसी विश्वास के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्यान पूरा आपको समझ में आया होगा थैंक यू धन्यवाद